कुछ दिन पहले सीहोर में हुई जनसुनवाई में पहुंची राजमल पूर्णिया ने कलेक्टर सुदाम खाड़े से अपनी बेटी की शादी के लिए मदद की गुहार लगाई थी। कलेक्टर सुदाम खाड़े और एसडीएम राजकुमार खत्री ने उनको मदद का भरोसा दिलाया था, जिसके बाद प्रशासनिक अमले की मदद से कलेक्टर ने इस शादी में सहयोग दिया और खुद आकर वर वधु को आशीर्वाद दिया। साहब, मैं मदद मांगने गई थी कि मेरे पास कुछ नहीं था, तब ऐसा सोचा मैंने कि मैं सरकार करने जाऊं तो मेरी मदद करेगी, इस बेटे की शादी मैं कहां से करूंगी, ये मैंने सोचा। तो साहब के पास गई तो साहब ने बोला कि चलो हम तुम्हारी बच्ची का जो है शादी हम कराएंगे। और बड़े साहब ने बोला कि ना आपकी बेटी को हम जो है शायद हमसे बनेगी, हम सब मिलके आपकी बेटी की सहायता करें। ये सही है कि एक दिन जनसुनवाई में एक भगवंती की माता जी यहाँ पे आई थी और शादी करने के लिए उन्होंने कुछ वहाँ खड़ी थी पत्रिका लेकर, और ये सही था कि चूँकि जो प्रचलित योजनाएं हैं उसमें एक साथ शादियाँ होती हैं, लेकिन चूँकि एक एकल शादी पहले तय हुई थी और तारीख तय हो गई थी, इसमें फिर सभी प्रशासन के हमारे सभी अधिकारियों ने, एसडीएम साहब और सभी लोगों ने सोचा कि ये अपनी इसको कर सकते हैं समाज के सहयोग से, और आज बस ऐसा निर्णय लिया गया। तो और समाज के कई लोगों ने आज विभिन्न प्रकार की सामग्री, खाना और बाकी सब चीज़ लेके बहुत ही धूमधाम से और अपने घर जैसे शादी इसमें मनाई, और मुझे लगता है कि वाकई सामाजिक सोशल सिक्योरिटी का एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ से शुरू हुआ है। और जैसे आपको अवगत है कि नेकी के पेड़ के नीचे कई लोग आते हैं, और मध्य प्रदेश शासन की जो आनंद विभाग की जो अलग अलग जो पायदान पे काम कर रहे हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम, और इस सबसे बड़ी बात है कि समाज इससे जुड़ा है। ये वाकई अद्भुत अनुभव है, और कई बड़ी शादियों से बहुत अच्छा आनंद और अद्भुत अनुभव यहाँ का हमको मिल रहा है, और लोगों ने भी जिस प्रकार से उनको इस परिवार को प्यार दिया है, मुझे लगता है हर परोगा से प्यार मिला तो खुशी के लिए है। सीहोर से EMS TV के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।